is part of India because it is part of India, not because some other country says it is part of India. So I think we've been very clear, very consistent on this, and I think that is something which will be part of the. भारत के अरुणाचल प्रदेश पर चीन ने बुरी नजर डाली है और अब चीन को ये गलती बहुत भारी पड़ने वाली है क्योंकि भारत इस गलती को माफ नहीं करेगा। अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर ऐसे आपत्ति जताना जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री चीन की सीमा में घुस गया हो, ये बताने के लिए काफी है कि चीन इस समय अपनी बुद्धि खो चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मानो अपने अधिकारियों को कुछ भी कहने बोलने के लिए छूट दे चुके हैं। यही कारण है कि चीन अब भारत के अरुणाचल प्रदेश को लेकर खुलकर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां करना शुरू कर चुका है, वो भी तब जब पहले से एलएसी पर सीमा को लेकर विवाद जारी है। अब इन सब के बीच में चीन को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का ये बयान सुनना चाहिए जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन को खरी खरी सुना रहे हैं। चीन द्वारा किए जा रहे बार बार के दावों को लेकर विदेश मंत्री ने स्पष्ट तौर पर बोला कि चीन की दावेदारी बेतुकी है। उन्होंने कहा कि ये सीमांत राज्य भारत का स्वाभाविक हिस्सा है। अरुणाचल पर चीन द्वारा अक्सर किए जाने वाले दावे और भारतीय राजनीतिक नेताओं द्वारा किए जाने वाले दौरे का चीन के विरोध करने पर उनकी ये पहली सार्वजनिक टिप्पणी थी। जयशंकर ने कहा कि कोई नई बात नहीं है। उन्होंने NUS इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज में ये बयान दिया। अरुणाचल को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोई नया मुद्दा नहीं है, मेरा मतलब है कि चीन ने दावा किया है, इसने अपने दावे को दोहराया है, ये दावे शुरू से बेतुके हैं और आज भी बेतुके बने हुए हैं। इज पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज़ इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट बिकॉज़ सम अदर कंट्री सेज इट इज पार्ट ऑफ इंडिया। सो आई थिंक वी हैव बीन वेरी क्लियर, वेरी कंसिस्टेंट ऑन दिस, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम इस पर बहुत स्पष्ट रहे हैं और हमारा एक समान रुख रहा है, और मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि ऐसी चीज है जो वर्तमान में जारी सीमा वार्ता का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय द्वारा चीन के रक्षा मंत्रालय के बयान को खारिज किए जाने के कुछ दिनों के बाद डॉक्टर जयशंकर का ये बयान आना अपने आप में चीन के लिए जवाब माना जा रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।